Hello everyone, this is Tarun Gaur once again in front of you with another video. वीडियो शुरू करने से पहले एक वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पिछले वीडियो की है, उसे आप जरूर देखिए। नहीं मिल रही कहीं नौकरी वोकरी तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है भाई, सीखो अपने भाई से सीखो कि कैसे वो अर्न कर रहा है घर बैठे। मैं एक्चुअली कर रहा हूँ, मैं 10 से 15 हज़ार रुपये अर्न इस समय कर रहा हूँ अपनी एक स्किल से जिसका नाम है कंटेंट राइटिंग। सो गाइस, अभी जो आपने वीडियो देखी उसमें मैंने कहा कि मैं 10 से 15 हज़ार रुपए महीने कमा रहा हूँ अपनी एक स्किल से जिसका नाम है कंटेंट राइटिंग। दोस्तों, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप इस स्किल को सीखें और इस स्किल के बारे में जानें। वीडियो हम चलो शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए और भी ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं और आपके पास उनके नोटिफिकेशन पहुंचे, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन भी दबाइए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। प्लस मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में पूरी वीडियो देखेंगे भूल ही जाओगे और कहीं और डाइवर्ट हो जाओगे। वीडियो लाइक करके आगे चलते हैं। तो गाइस, कंटेंट राइटिंग क्या होती है समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कंटेंट क्या होता है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में दो वर्ड आ रहे हैं, कंटेंट प्लस राइटिंग। राइटिंग तो हम समझ गए, कुछ लिखना होगा उसको हम राइटिंग कह रहे हैं, बट व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट यहां पर है, कंटेंट हम उसे कहते हैं जिसके थ्रू हम अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे की तरफ भेजते हैं, मतलब उसे पास ऑन करते हैं, या फिर अपने हम व्यूज या किसी भी तरीके का मटेरियल हम दूसरे को देते हैं, उस तक पहुंचाते हैं जिसे कि वो कंज्यूम करके कुछ बेनिफिट उठा सके। एक्चुअली कंटेंट किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, जैसे कि मैं इस समय आपको वीडियो कंटेंट दे रहा हूं, ये जो आप वीडियो देख के कुछ समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ये भी एक कंटेंट है, बट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। तो ये वीडियो कंटेंट है। यहां पर अगर खाली आप सिर्फ सुन रहे होते या जैसे रेडियो वगैरह होता है या पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, उसमें हम साउंड की मदद से अपने कंटेंट भेजते हैं, वहां पर वो कंटेंट होता है। बट इन द फील्ड ऑफ कंटेंट राइटिंग हम कुछ लिखकर अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं अपने व्यूज या अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी नॉलेज या हम जो भी कुछ पास ऑन करना चाहते हैं, वो कंटेंट राइटिंग के अंदर आता है। मतलब कुछ लिखकर अपनी ऑडियंस तक कुछ पहुंचाना, इंफॉर्मेशन मटेरियल जिसे वो कंज्यूम करके एंटरटेन हो सके, एजुकेट हो सके या किसी भी तरीके से उसका वो फायदा उठाए, कैसे भी यूज करे, मतलब उसे वो कंज्यूम करे, तो यहां पर इसे कंटेंट कहते हैं। तो कंटेंट राइटिंग आगे क्या होती है चलिए समझते हैं। गाइस, कंटेंट राइटिंग का भी जो फील्ड है बहुत बड़ा है। कंटेंट राइटिंग मतलब कंटेंट के थ्रू किसी को इंफॉर्मेशन पास ऑन करना आप कई तरीके से कर सकते हो, जैसे कि न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, बुक्स के थ्रू, ई बुक्स के थ्रू, कई सारे रास्ते हैं जिनके थ्रू आप मतलब अपनी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हो कंटेंट राइटिंग करके। बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी ऑफ दीज हियर। हम यहां पर वेबसाइट के ऊपर कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है उसके ऊपर फोकस करेंगे। मतलब कंटेंट राइटिंग तो जैसे कि मैंने बताया बुक्स वगैरह इन सबसे के थ्रू हो सकती है, बट मैं जिससे अर्न कर रहा हूं वो स्पेसिफिकली वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स लिख के उसके ऊपर कंटेंट डालकर उसके ऊपर कंटेंट राइटिंग कर पैसे कमा रहा हूं, तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। गाइस, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। इंटरेस्ट बहुत जरूरी चीज है कंटेंट राइटिंग की दुनिया में। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है ये आपको अभी से फाइंड करना होगा, क्योंकि आपको आगे बहुत मदद करने वाला है, बहुत बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। इंटरेस्ट आप कैसे अपने अंदर जानेंगे कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आप अभी के अभी सोचिए कि आप इंटरनेट पर किस तरीके का कंटेंट मतलब मटेरियल आप कंज्यूम बहुत करते हो, जैसे कि आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट इंटरनेट से कंज्यूम करते हो, उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ते हो, या फिर आप टीवी शोज, म्यूजिक इस तरीके के पढ़ते हो इंटरनेट पर कंटेंट, या स्क्रॉल करते हो या फिर वीडियो देखते हो, या फिर आप पॉलिटिक्स, न्यूज, टेक्नोलॉजी, गेमिंग, किसी भी टाइप का आपका स्पेसिफिक कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर होगा, वो आप फाइंड आउट कर लीजिए। दोस्तों, मैं ऐसा करने के लिए आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में भी जब आप कोई चीज लिखोगे, अगर आप ऐसे फील्ड में जाके लिखोगे जैसे कि आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, वैसे सबको इंटरेस्ट होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, बट एक पॉइंट के लिए आप मान लीजिए, चलिए मैं बदल देता हूं, फैशन की फील्ड में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं,
तो फैशन के बारे में आप किसी वेबसाइट पे लिखने के लिए मौका मिले तो आप नहीं लिख पाओगे, लिख भी पाओगे कैसे भी रिसर्च करके आपको मजा नहीं आएगा, आपको एक तरीके की सजा लगेगी कि काम करने में बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। बट वहीं अगर आपको फैशन का इतना बड़ा कीड़ा है और खूब ज्यादा आप चाहते हो कि फैशन में घुसे हुए हो, फैशन के बारे में चीजें पढ़ना लिखना सब अच्छा लगता है आपको, तो इस फील्ड में कंटेंट राइटिंग करके कमाना और सब कुछ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप मजे मजे में कमाओगे, सजा समझ के नहीं कमाओगे। इसलिए अपना एक इंटरेस्ट चूज करना बहुत जरूरी है। आपका फैशन एंटरटेनमेंट इनसे भी कुछ मन नहीं है, आप न्यूज पॉलिटिक्स गेमिंग किसी भी तरीके के फील्ड में घुस सकते हो और उसमें उससे रिलेटेड कंटेंट राइटिंग करके पैसे कमा सकते हो। लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने इंटरेस्ट वाले फील्ड में ही कंटेंट राइटिंग करें, क्योंकि इसके दो रीजन है। एक तो आपको काम करने में मजा आएगा, आप जो कमा रहे हो पैसे उसे सजा के तौर पर नहीं कमाओगे, आप मजे मजे में पैसे कमाओगे। बट दूसरा और भी इंपॉर्टेंट ये है, कंटेंट राइटिंग करते समय हमें अपने ऑडियंस के लिए बहुत ही डिवोटेड होकर लिखना होता है कि वो उसे जब कंज्यूम करे तो बिल्कुल एंगेज हो जाए उस कंटेंट में। तो वो आप तभी कर पाओगे जब वो आपके ही इंटरेस्ट का होगा वो फील्ड, क्योंकि आपके इंटरेस्ट होगा तो आपको प्रॉपर नॉलेज होगी इस फील्ड की और आप उसमें ढंग से डेटा दे पाओगे लिखते समय, जिससे कि ऑडियंस को अच्छे से बेनिफिट हो। लेकिन अगर आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ही कुछ और है और आप किसी और के बारे में लिख रहे हो तो उसे आप उतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे ऑडियंस के सामने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट राइटिंग की दुनिया में। ऑडियंस को हमें बिल्कुल भगवान की तरह मानना है और उनको सब कुछ समझ आ जाए हमारे पहली बार चीजों को देखकर, इस तरीके से हमें उन्हें कंटेंट देना है और यहां पर हम राइटिंग के फॉर्म में देंगे। तो आप अपना इंटरेस्ट चूज कीजिए और उसे पकड़ के उसी के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। गाइस, आपने एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में एंट्री ले ली, मतलब आपने एक चूज कर लिया, आप उससे रिलेटेड अब लिखोगे। बट हम मान लो लिखेंगे, हम कंटेंट राइटर बन जाएंगे और हम खूब अच्छे से काम करेंगे, बट इस फील्ड का स्कोप कितना है, मतलब हम बन भी गए तो हमें चांसेस कितने हैं कि हमें कोई ना कोई काम मिल जाएगा या वैसा। दोस्तों, ऐसे बहुत ही बहुत स्कोप है, क्योंकि दिन ब दिन इंटरनेट पे कई सारी वेबसाइट एंटर होती है, नई नई वेबसाइट रोज बन रही है और सबको कंटेंट की जरूरत है, क्योंकि आपको भी पता है कि इंटरनेट आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मीडियम बनने वाला है इंफॉर्मेशन का। अभी भी है पर ये और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा और ये सबके पास ये मोबाइल और ये सब पहुंच जाएंगे, क्योंकि जनता इंटरनेट पे हर चीज सही सर्च करती है आज भी और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा करेगी। तो उसे सर्च करने के बाद कुछ कंटेंट मिलेगा, उसे वो कंज्यूम करेगी, वो कहां से आएगा, वो हम लोग ही लिखेंगे, कंटेंट राइटर्स ही लिखेंगे। तो कंटेंट राइटर्स की डिमांड कम नहीं होने वाली, बढ़ने ही वाली है। दिन ब दिन नई वेबसाइट बनेंगी और उन्हें कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, और आप जैसे एक कंटेंट राइटर से किसी वेबसाइट का काम नहीं चलता, इनिशियल स्टेज में चल भी सकता है, बट कई सारे कंटेंट राइटर्स लोग हायर करते हैं एक सिंगल वेबसाइट के लिए, ये नॉर्मल सी बात है, आपको शायद पहले से भी पता होगा। तो इसका स्कोप खूब है, आप टेंशन मत लीजिए कि इसका स्कोप है या नहीं, इसे हम सीखे या नहीं सीखे, सीखने को ज्यादा बड़ी तोप थोड़ी है। अपने इंटरेस्ट को एक लैंग्वेज के फॉर्म में बस राइट करके लोगों तक पहुंचाना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इसके ऊपर भरोसा करें और इसके स्कोप पर बिलीव करें, इसमें स्कोप है, आप इस फील्ड में एंट्री ले सकते हैं। गाइस, अब एक क्वेश्चन आता है कि आप किस लैंग्वेज में कंटेंट राइटिंग करेंगे, मतलब आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए कंटेंट राइटिंग के लिए। गाइस, मैं आपको बता दूं, हर लैंग्वेज की डिमांड है मार्केट में और हर तरीके की वेबसाइट्स अवेलेबल है, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है और हर लैंग्वेज में कंटेंट राइटर्स की जरूरत है। वो ठीक है कि इंग्लिश वाली लैंग्वेज की डिमांड ज्यादा है कंटेंट राइटिंग के फील्ड में, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है, ऑब्वियसली उसकी डिमांड ज्यादा होगी, सब वेबसाइट ज्यादातर इंग्लिश में ही होती है। बट इसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश आपको आती है बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश में आप कंटेंट राइटिंग करिए। लेकिन अगर आपको इंग्लिश पर अपनी कमांड नहीं है, आप हिंदी या किसी और लैंग्वेज पर कमांड है, तो आप उसमें भी कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वेबसाइट को सर्च करके वहां पर काम कर सकते हैं। तो टेंशन, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है कंटेंट राइटिंग में, आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश है आपके पास तो आप सोने पे सुहागा है, उनका सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। गाइस, अब एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ मच यू कैन अर्न, आप कितना कमा सकते हैं इस फील्ड में। गाइस, आप इतना कमा सकते हैं कि आप
दुनिया की सबसे अच्छी जॉब होगी ना, उससे भी अच्छे से अच्छा इसमें कमा सकते हैं। मैं जो कमा रहा हूँ वीडियो में के शुरू में मैंने बोला था 10 से 15 हजार कमा रहा हूँ, बट वो मेरा लेवल है, वो मेरा बेसिक लेवल है। आपको जरूरी नहीं है कि आप मेरे तक ही अटक जाएंगे, आप मुझसे आगे भी जा सकते हैं और आप अपनी चीजों को परफेक्ट करके मतलब रिफाइन करके आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। मेरा तो कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग लेवल भी है, बहुत ही बेसिक लेवल पर है मेरा। कंटेंट राइटर्स लाखों तक भी कमाते हैं, बट आपको ये नहीं सोचना है कि अभी की आप कितना कमाएंगे, क्योंकि दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा ये कि आप किस तरीके से मतलब चार्ज करेंगे, किस तरीके से कितना कमाएंगे, कितना पर वर्ड लिखने का आप चार्ज करेंगे। ये टोटली आपकी स्किल्स पर और आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। मैं हाल फिलहाल में 10 पैसे पर वर्ड चार्ज कर रहा हूँ अपने कंटेंट राइटिंग का। ये मेरा अभी का लेवल है, हो सकता है आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। मैं 20 पैसे 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए 10 रुपए पर वर्ड कितना भी बढ़ सकता है गाइस। ये टोटली डिमांड पर, मार्केट में आपकी स्किल्स पर और आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना कमाएंगे पर वर्ड लिख के कंटेंट राइटिंग में। कंटेंट राइटिंग में इसी तरीके से पैसे मिलते हैं, मतलब आपका चार्जेस होते हैं पर वर्ड के, आपको आवरली रेट्स में भी मिलती हैं कई जगह पेमेंट्स, बट मोस्टली कंटेंट राइटिंग की दुनिया में पर वर्ड चलता है। मतलब आपने एक वर्ड लिखा, आपका इतना हो गया, तो आप मान लीजिए 500 वर्ड लिखते हैं 10 पैसे में, 10 पैसे पर वर्ड में जैसा कि मैं करता हूँ, तो उसके 50 रुपए हो जाते हैं एक 500 वर्ड के पैसे के। तो इस तरीके से आप कंटेंट राइटिंग में कमाते हैं। अभी शुरुआत में आप अर्निंग पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, आप सीखिए चीजों को, लिखने की प्रैक्टिस करिए, एक्सपीरियंस थोड़ा सा बिल्डअप कीजिए फील्ड में, और फिर आप धीरे धीरे अर्निंग साइड में आपको कितना चार्ज करना है आप खुद से अंदाजे लगाइए, और इनिशियली कुछ भी आप अपना प्राइस रखिएगा और उससे स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको लगे कि उस प्राइस पे काम नहीं मिल पा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर लीजिएगा प्राइस। जैसे ही आपको काम मिलने लगे, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो, उसी हिसाब से आपको अपना प्राइस मतलब पर वर्ड आप क्या चार्ज करेंगे वो आप बढ़ा सकते हैं। तो इसमें अर्न आप खूब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 10-15 हजार तक की गाड़ी अटक जाएगी। इसलिए अर्निंग के फील्ड में भी खूब स्कोप है, आप खूब अर्न कर सकते हैं, उसकी आप टेंशन मत कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ इसमें कंटेंट राइटिंग को डीपली सीखिए, इसका एक्सपीरियंस गेन कीजिए। गाइस अब एक क्वेश्चन आता है कि आपको सबसे पहला काम कैसे मिलेगा, मतलब आपको पहला काम कैसे मिलेगा कंटेंट राइटिंग का, जिसमें आपको कंटेंट लिख के आपको पैसे मिलेंगे। तो गाइस अगर आपने कंटेंट राइटिंग के बारे में हाल ही में एक दो वीडियो मेरी देख के सुना है और आपको जस्ट अभी अभी पता चला है कंटेंट राइटिंग क्या होती है, तो आप काम के बारे में फिलहाल मत सोचिए। आप अपनी स्किल पर वर्क कीजिए, आप अपने लिखने की स्टाइल पर वर्क कीजिए कि आप किस तरीके से अच्छा लिख सकते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करिए, टाइपिंग स्पीड बढ़ाइए, और आप कुल मिला के अपने आप को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन कीजिए इस फील्ड में, जिससे कि आपको काम मिले और आपको अच्छा पेमेंट भी मिले उसका। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत ऑलरेडी आइडिया है लिखने का, आप लिखते आ रहे हो, आपकी टाइपिंग स्पीड भी लगभग ठीक ठाक है, तो आप इसमें शुरू कर सकते हैं। और किस तरीके से आपको काम मिलने वाले हैं और किस तरीके से आप काम को सर्च करेंगे इंटरनेट पर, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वो डिटेल वीडियो होगी, क्योंकि वो थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा मुझे, वो थोड़ा मेहनत का काम है, वो इस वीडियो वैसे ही बहुत लंबी होगी, इसमें जोड़ूंगा तो वो थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं कि आपको बस प्रैक्टिस करनी है। अगर आप नए हो तो आप टेंशन मत लीजिए, आप काम की अभी सोची मत, आप थोड़ा बहुत 1 महीना अपने ऊपर वर्क कीजिए, 1 महीना नहीं तो 15 दिन हफ्ते भर तो कम से कम कीजिए वर्क अपने ऊपर, और एक्सपीरियंस गेन कीजिए थोड़ा सा इस फील्ड में। और अगर आप ऑलरेडी लिखने में माहिर हैं और अच्छा खासा लिख पाते हैं, तो आपको अगली वीडियो जल्द से जल्द इस चैनल पर मिल जाएगी, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें आपको अच्छे से किस तरीके से आपको जॉब मार्केट में सर्च करनी है वो मैं बता दूंगा। प्लस दोज हु आर न्यू इन दिस फील्ड, मतलब जो बिल्कुल ही मतलब देख रहे हैं और वीडियो से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग क्या, उनके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म दे देता हूं, और बाकी सब जो भी चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। एक्चुअली मेरे एक वेबसाइट है infocompile.com, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि किस पेज पे आपको जाना है। वहां पर मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर रखा है, आप वहां पर जाकर कुछ डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि नाम, ईमेल आईडी वगैरह, उसे भर के नीचे एक ऑप्शन होगा कंटेंट देने के लिए, मतलब आप जो भी लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं लिखने की, वो आप उसमें डाल के सबमिट कर दीजिएगा, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा बैकएंड में। वो कंटेंट मुझे अच्छा लगेगा तो मैं वेबसाइट पर अपनी पर पब्लिश भी कर दूंगा, और
उसमें अगर कोई गलतियां होंगी या जो भी होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन कंटेंट को देख देख के आपको समझाऊंगा कि इसमें ये गलतियां, आपको ये चीज इंप्रूवमेंट करनी है, आपको ये सब करना है, मतलब उससे आपको कहीं ना कहीं मैं आपके कंटेंट को वीडियोज में आगे सही और करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप प्रैक्टिस के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट के उस फॉर्म में जाके कंटेंट सबमिट कर सकते हैं, बस नाम वगैरह डाल दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके नाम को वीडियो वगैरह में शो करके बता सकूं कि भाई इन्होंने जो कंटेंट भेजा है इसमें ये गलती है, इनको आप सही कर लें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और एकदम परफेक्ट होगा, तो आपकी तारीफ की जाएगी और उसे पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट पर। आप जब तक वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिंक मैं भेज दूंगा किस पेज पे जाके आपको कंटेंट मतलब सबमिट करना है। सो गाइस, अब तक की वीडियो में हमने काफी कुछ कवर कर लिया, मैंने लगभग हर पॉसिबल क्वेश्चन को कवर करने की यहाँ पर कोशिश की है, जो भी मतलब नॉर्मली माइंड में लोगों के आ सकते थे कंटेंट राइटिंग के बारे में। बट फिर भी अगर क्वेश्चन कोई रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए, जितने भी क्वेश्चन आएंगे कमेंट बॉक्स में उन सबको भी मैं सॉल्व कर दूंगा, मतलब अगली वीडियो में उनके आंसर दे दूंगा, कलेक्टिवली एक वीडियो बना लेंगे उसमें सबके आंसर दे दूंगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी हो। तो जब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस भी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, आपको किस तरीके से काम मिलेगा, पहला जॉब मिलेगा, मतलब पहला मार्केट में आपको कंटेंट राइटिंग का वर्क मिलेगा, वो सबसे रिलेटेड आपको अगली वीडियोज में मैं बताने वाला हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो बेल आइकन दबा के, और लाइक करो वीडियो को, अगर क्या पहले से कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर लो, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के संग जिनको आप चाहते हो कि उनको कंटेंट राइटिंग के बारे में पता चलना चाहिए और उन्हें भी इससे अर्निंग करने का मौका दीजिए आप। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।